क्रिकेट टीम ने अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड में एक तब्दीली की है। एस्टन अगर जो है उनको ड्रॉप कर दिया गया है इंजरी की वजह से, और उनकी रिप्लेसमेंट की गई है मार्नस लबुशने की सूरत में। इससे पहले जो है वो ट्रेविस हेड जो है उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन वो अब इंजरी से जो है वो वापस आ चुके हैं और उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। अब जो तब्दीली की गई है वो एस्टन अगर की सूरत में की गई है, जो कि स्क्वाड से आउट हो चुके हैं 15 रुकनी स्क्वाड से। उनकी जगह पे मिडल ऑर्डर बैट्समैन मार्नस लबुशने जो हैं उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। ट्रेविस हेड जो कि इंजरी का शिकार हुए थे साउथ अफ्रीका में, जिनके खिलाफ जो 5 ODI मैचों की सीरीज थी उसमें वो इंजरी का शिकार हुए थे, और मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में भी वो पहले 2-3 मैचेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नहीं खेले जाएंगे, नहीं खेलेंगे। उसमें जो ओपनिंग है वो डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ही करेंगे। ट्रेविस हेड जो हैं वो अगर उनके ओपनिंग जो है वो नाकाम होती है उस सूरत में जो है वो ओपनिंग कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की। मार्नस लबुशने जो हैं उनको स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाएगा, और अगर यहाँ पे ट्रेविस हेड को ओपनिंग कराई जाती है तो फिर मार्नस लबुशने जो हैं वो मिडल ऑर्डर में नहीं रहेंगे, क्योंकि उस सूरत में ऑस्ट्रेलिया को एक जो है वो ऑलराउंडर जो है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर या स्पिन ऑलराउंडर गैलन मैक्सवेल है उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ट्रेविस हेड या मार्नस लबुशने में से जो है वो एक ही प्लेइंग 11 में आ सकता है। तो ऑस्टन अगर जो है उनको स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है, उनकी जगह पे मार्नस लबुशने जो है वो स्क्वाड का हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम में वर्ल्ड कप 2023।